वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, भारत के सभी पंथ और समुदाय का एक ही लक्ष्य, वसुधैव कुटुंबकम। सीएम योगी आदित्यनाथ का मंत्रियों को 16 के सभी कार्यक्रम रद्द करने का निर्देश। पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ बैठक तथा भोज। कार्य संभालने के बाद बीजेपी डॉक्टर डीएस चौहान बोले, शीर्ष वरीयता पर रहेगी शासन की प्राथमिकता। राज्यसभा चुनाव में 11 में से 7 पर भाजपा की जीत पक्की, 8वीं भी जीतने के प्रयास में रहेगा सत्ताधारी दल। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में उमड़ी भीड़, ज्ञानवापी परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रभारी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट। राज्यसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस का नहीं खुलेगा खाता। बालिकाएं क्यों नहीं जा रही स्कूल, कारण तलाशेगी शक्ति मंच, इन बिंदुओं पर रहेगी चर्चा। लखनऊ में जहां मिले थे गांधी और नेहरू, उस जगह का कुछ यूं ट्रांसफॉर्मेशन करेगा रेलवे, 1916 की याद आएगी। भू माफिया यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन, दिग्गजों ने जताया शोक। जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायसी ने कहा, रूस को यूक्रेन पर किए अत्याचारों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। श्रीलंका के नए पीएम विक्रम सिंघे के सामने आने वाली है कई बड़ी समस्याएं, जाने कौन कौन सी है सबसे विकराल। पाकिस्तान में नहीं होंगे ईवीएम से चुनाव, नवाज शरीफ के साथ बैठक के बाद लिया गया फैसला। बीजिंग में 3 दिन की तालाबंदी करने की खबरों का चीन ने किया खंडन, न्यूक्लिक एसिड परीक्षण करने की दी सलाह। भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के नए पीएम विक्रम सिंघे से की मुलाकात, देश की गंभीर स्थिति पर हुई चर्चा। युवराज ने रैना से पूछा, आपकी टीम 97 रन पर ऑल आउट हो गई, तो मिला कुछ ऐसा जवाब। चेन्नई के युवा गेंदबाज ने पहली बार बनाई टॉप 10 में जगह, चहल अब भी टॉप पर बरकरार। चेन्नई के खिलाफ जीत के बाद भी आखिरी पायदान पर मुंबई, जाने कौन कौन सी टीम है किस स्थान पर। धोनी ने जडेजा के बारे में बात करते हुए कहा था कि अगर आप जडेजा को देखें तो उनमें काफी प्रतिभा है, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन बनाने में मदद करते हैं और आप परिस्थिति के हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं।